हिंगनघाट शहर के बहुचर्चित प्राध्यापिका अंकिता जलित कांड प्रकरण में दूसरे दिन भी प्रत्यक्ष सुनवाई हुई। शहर के जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय में आज अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील एडवोकेट उज्ज्वल निकम ने युक्तिवाद किया। अब ये मामला अंतिम मोड़ पर आ गया है। अब इस मामले के निकाल की उत्सुकता नागरिकों को लग गई है। इस मामले में 29 अक्टूबर को विशेष सरकारी वकील एडवोकेट उज्ज्वल निकम और बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट भूपेंद्र सोनी की उपस्थिति में सुनवाई हुई थी। उक्त समय अभियोजन पक्ष ने बचाव साक्षीदार की क्रॉस एग्जामिन ली थी। आज भी इस पर विशेष सरकारी वकील एडवोकेट उज्ज्वल निकम का युक्तिवाद जारी रहा, जिसमें अभियोजन पक्ष ने आरोपी ने जो जो कारनामे अंजाम दिए उसे न्यायालय के सामने सबूतों के साथ रखा, जो आज खत्म हुआ। उसके बाद बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट भूपेंद्र सोनी ने अपना युक्तिवाद शुरू किया, जो कल भी जारी रहेगा। उस पर आवश्यकता होने पर सरकारी वकील तर्क रखेंगे। बचाव पक्ष के वकील को आज बहुत कम समय मिलने से वे कल भी युक्तिवाद जारी रखेंगे। इसमें एडवोकेट शुभांगी कुंभारे, एडवोकेट संदीप मेश्राम और एडवोकेट अवंती सोनी ने उनका साथ दिया। आज पूर्ण झालेला आहे आणि आरोपी तर्फे एडवोकेट सोनजे यांचा युक्तिवाद सुरू झालेला आहे आणि उद्या त्यांचा तो युक्तिवाद पूर्ण होईल। कदाचित याला काही उत्तर द्यायचं असल्यास सरकारतर्फे मी पुन्हा युक्तिवाद करेल, पण मला वाटतं तशी आवश्यकता भासणार नाही। सरकार पक्षाने एकूण 2 दिवस हा युक्तिवाद केला आणि आरोपीने कशा रीतीने कृत्य केलंय, काय काय पुरावा सरकारी पक्षाने दाखल केला याची जंत्री न्यायालयात आज काल आणि आजच्या दरम्यान न्यायालयात आम्ही विषद केली। म्हणजे आज सरकारी पक्षातर्फे माननीय उज्ज्वल निकम साहेब यांचा युक्तिवाद पूर्ण झालेला आहे आणि सरकारी पक्षाला कमी जास्त 2 दिवस लागले आपला युक्तिवाद पूर्ण करण्याकरिता। आज मला शेवटचा क्षण म्हणजे अर्धा ते एक तास मला मिळाला आणि मी बचाव पक्षातर्फे युक्तिवाद सुरू केलेला आहे। मी बरेच मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि उरलेले मुद्दे जे आहे माझ्या उद्या आणि परवा उद्या आणि त्यानंतर उरलेला युक्तिवाद मी नंतरच्या तारखेमध्ये पूर्ण करेल आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की याच्यामध्ये सत्याची जीत होणार आणि ज्याला आरोपी बनवण्यात आलेला आहे हा याला माननीय कोर्ट त्याच्यासोबत न्यायदान करेल। हिंगणघाट से BCN न्यूज के लिए रवि यनोरकर की रिपोर्ट।